आर्थिक आजादी, सांस्कृतिक वैचारिक आजादी, उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करना पड़ेगा और प्रमाद त्यागना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे लंबे लंबे श्वास तो 100 बार कर ले हुसैन भाई, तो पूरे आजाद हो जाएंगे। आराम आराम से कर ले, ये तो फुल ऑफ एनर्जी के लिए हो गया। ऐसे नहीं कर सके तो ऐसे ही कर ले, ऐसे दोनों हाथ छाती के नीचे, ठोड़ी के नीचे, फुल ऑफ एनर्जी के लिए, पैर पीछे पास में, और करो फास्ट ऐसे करो। आप लोग भुजंगासन करो, और जो दुबले पतले हैं कमजोर स्वामी जी, आप योगाभ्यास तो करवाते रहिए, लेकिन आपकी बातें भी लोगों की जिंदगी बदलने के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। योग का महोत्सव तो आपके यहाँ रोजाना ही होता है स्वामी जी, और आज एक खास इंतजाम आपने किया है, लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव भी इस वक्त पूरा देश मना रहा है। ऐसे में हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो युवा हैं, उनका भविष्य बेहतर बने, उसके लिए उन्हें कौन सी 5 बातें आप बताइए जो अपनी जिंदगी में शामिल करें, जिससे वो अपने भविष्य को बहुत ही खास, बहुत ही सुनहरा बना सकें। तो देखो, 5 तो प्राणायाम करें, ये बात भी है कि 5 प्राणायाम करना, जो हमने सबको बताए, इनसे हम सब रोगों पर विजय पाते हैं, चाहे वो मैंने कहा लाइफ स्टाइल डिजीज हो, जेनेटिक डिजीज हो, इनकेरेबल डिजीज हो, और हमने ये करके दिखाया है, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड, ये सारा ज्ञान एक्सपीरियंस के साथ, पूरे लाइव इंस्पिरेशंस के साथ हमने हिंदुस्तान को दिया है। और इंडिया टीवी के माध्यम से पिछले लगभग अब तो कितने दिन होंगे, लगभग 500 दिन होने वाले हैं, एक बार फिर से इंडिया टीवी का अभिनंदन है, करोड़ों लोगों को हमने जगाया है।